लगाया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि बाबा बाइडन फोन पे ही बात कर ले, मिलना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने घास नहीं डाली तो बना ली। तो इसको अब बदकिस्मती कहें या जो भी कहें, पाकिस्तान को एक बड़ी खुशखबरी मिली है कर्जा मिलने की। तो एक पिक्चर शेयर की है शहबाज शरीफ साहब ने, जिसमें वो जो बाइडन उनकी मिसेस के साथ खड़े। नहीं पता नहीं वो कहा गलती से कोई पुरानी पिक्चर ही कट पेस्ट करके लगा दी होगी। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो ये फोन पे भी बात बाबा जी उनसे नहीं कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाते हैं और उनका अमला और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी इंतजार करते हैं, टेलीफोन की तरफ नजर है कि अमरीका से फोन आएगा, अपनी कुर्सी पे बैठे रहे और फोन नहीं आया। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी हजीमत है, हद तक इस तरह से है कि हमारा साथ बैठा मुल्क, हमारा हमसाया, हमारा पड़ोसी, वो इस तरह की रिपोर्ट्स का बड़े पैमाने पर मजाक उड़ा रहा है। ये फरमाया कि पाकिस्तान बहुत अच्छा बच्चा है, ये एक अरब डॉलर के लिए आईएमएफ के आगे ढेर हो गए हैं और पाकिस्तान के अंदर ये जो मुआशी फैसले किए जा रहे हैं उनको सामने रखते हुए हम पैसे दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दो चीजें मैं बताना चाहूंगा, मुर्शिद पाक मियां साहब छोटे आए थे, उन्होंने सिर्फ दो खाने खाए हैं उन्होंने यहाँ पे। एक उन्होंने खाना खाया था ब्रुनाई का, 40 साल उनको यूनाइटेड नेशंस में हो गए, उन्होंने अच्छा खाना बनाया था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एंजॉय किया, मुर्गी वगैरह खाई उन्होंने वहां जाकर। तीसरा बंदा किसी ने बुलाया नहीं यहाँ पे, पूरा जोर लगाया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि बाबा बाइडन फोन पे ही बात कर ले, मिलना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने घास नहीं डाली। डॉक्टर यूनुस आए हैं यहाँ पे और बाबा जी ने उनको गले लगा लिया बाइडन ने। तो एक पिक्चर शेयर की है शहबाज शरीफ साहब ने, जिसमें वो जो बाइडन उनकी मिसेस के साथ खड़े। नहीं पता नहीं वो कहा गलती से कोई पुरानी पिक्चर ही कट पेस्ट करके लगा दी होगी। मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो ये फोन पे भी बात बाबा जी उनसे नहीं कर रहे थे। दो कौमें आपके पाओ में पड़ गई, यूएई का वीजा बंद कर दिया उन्होंने, जो 10 लाख भाग के जा रहा है वो बाहर जाकर खैरात मांग रहे, वो बाहर जाकर फ्रॉड कर रहे हैं। कल परसों की खबर है कि आपके हमारा सबसे हाईएस्ट मुलाजिम ग्रेड जो होता है 22nd, दो 22nd ग्रेड के सेक्रेटरीज के वीजे यूएई ने रिजेक्ट कर दिए। सऊदी अरेबिया आपके पांव में पड़ चुका है कि खुदा रहा ये मांगने वाले हाजियों को यहां ना भेजो। हज का वीजा लेके जाते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ जेब काटते हैं। मैंने खुद जाकर कई दफा हरम शरीफ के अंदर बैठा तो मुझसे कई पाकिस्तानियों ने कहा जी मेरा जेब कट गई है जी, मेरे पास ना पासपोर्ट है ना खाने को कुछ है। तो एक लफ्ज मैंने उनसे हमेशा कहा कि यार मैं तो यहां से खुद कुछ मांगने आया, तो वहां से क्यों नहीं मांगते, खुदा के घर में भी बैठ के मुझसे मांग रहे हो, ये कैसा तुम्हारा फेथ है यार, कैसा तुम्हारा बिलीफ है ये, तो फिर इसके बारे में बोलूं ना क्या करूं, तालियां बजाऊं इसको, सेलिब्रेट करूं मैं इसको। बाहर की कौमें भी अब मिन्नतें तरला शुरू कर, उन्होंने मिन्नतें कर रही है कि खुदारा इनको यहां ना भेजो। अब मैं बताना चाहूंगा कहां साहब को पिछले हफ्ते 10 दिन से, जिस दिन से IMF का पैकेज आया, उनको ये शक पड़ चुका है कि शायद अब पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि कर्जे आपके दो ढाई ढाई साल आगे हो चुके हैं, कहीं ये 2-2.5 साल डिले ना हो जाए मेरी पावर पॉलिटिक्स, उसका हल उन्होंने फौरन निकाल दिया। उन्होंने कहा है कि नहीं अब एहतजाज नहीं, अब जलसे नहीं होंगे, अब जंग होगी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इस वक्त जो भी चला रहा है उसको 2-3 दफा रिवाइंड करके वो सुननी चाहिए। उन्होंने कहा मैं इनकलाब का ऐलान कर रहा हूं, गोली का जवाब 10 गोलियों से दो। कि पाकिस्तान जो है उसकी जो लीडरशिप है, कोई अमेरिकन लीडर टिल नाउ अभी तक उनको कोई नहीं मिला। इसी दौरे में अगर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर को देखा जाए तो उनके मुलाकात जो है वो हुई है, जो अमरीकी सदर हैं उनके साथ हुई है या मोदी की भी हुई है। तो इस वक्त सवाल ये है कि जी पाकिस्तान क्या कर सकता है। अच्छा एक पहलू इसका जरा मैं एक और एंगल से इसको देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान के जितने भी बैनुल अक़वामी एंगेजमेंट्स होती है, जहां पर इंडिया भी रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है, तो हम उसके कॉन्टेक्स्ट में उसको कंपेयर करते हैं। ये जो बाहर से यानी कि यहां तक मामला पहुंच गया कि हुकूमतें शिकवा कर रही हैं कि अपने ये लोग हमारे पास मत भेजो, और ये वहां पर डिस्कशन हो रही है कि वो कह रहे हैं यहां से जहाज भर भर के भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, यूएई के अंदर इंडियन बहुत ज्यादा है, ये खबर जब वो सुनते हैं कहते हैं वाह पाकिस्तानियों क्या रिकॉर्ड बनाया। मेरी बात सुनो, इंडिया नरेंद्र मोदी के दौर में तकरीबन आजकल इकोनॉमी के हालात में 5 नंबर पे तगड़ा मुल्क है। दूसरी बात यह है कि जो यकीनी तौर पर जिस तरह नजम साकिब साहब ने कहा कि ये कोई अमेरिका का दौरा नहीं था, बल्कि वहां पे जनरल असेंबली इजलास में जाना और वहां की एक्टिविटीज थी, लेकिन इसी दौरे में अगर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर को देखा जाए तो उनके मुलाकात जो है वो हुई है, जो अमरीकी सदर है उनके साथ हुई है या मोदी की भी हुई है, यकीनी तौर पर पहले उन्होंने अरेंज किया होगा।
लेकिन पाकिस्तान की जो जब इमरान खान साहब थे उन पर चार साल ये था, तनकीद भी होती रही कि वो इंतजार करते रहे, फोन का फोन नहीं आया। लेकिन यह भी हकीकत है कि पिछले दो साल हो गए हैं, मौजूदा जो सेटअप है, जो रजीम है, पीडीएम हुकूमत कहें, नून लीग कहें, जिसको भी कहें, पहले शहबाज शरीफ साहब थे, काकड़ साहब थे, फिर जो है वो शहबाज शरीफ साहब आए हैं, कोई कॉल नहीं आई। जो ये हुआ है शाये पे जो तस्वीर बनी है, इसके वाले से भी बताया जाता है कि ये 40 सेकंड की थी, और क्योंकि वहां सरबराहाने मुमलिकत आए होते हैं और वो इशाया दिया होता है तो सारे आए होते हैं, तो उसमें तो इस किस्म की जो तस्वीर बनाना या इस किस्म की चीज हो जाती है। लेकिन उस हवाले से भी अमेरिका की तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं आई कि कोई मुलाकात हुई है या कोई बातचीत हुई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के तनाजर में कोई चीज आगे नहीं बढ़ी। लेकिन मैं जो कम्युनिटी इंटरेक्शन है उस पर बात करूंगा, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी वहां पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, इंडियन भी हैं, ये हमने देखा है। और अभी भी मोदी जब गए अमेरिका में, वहां पे उनका बहुत बड़े पैमाने पे जो कम्युनिटी के साथ उन्होंने खिताब किया, ऐसे लगता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उसमें जो मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, वो पीटीआई के लोग हैं। इस वजह से जब भी जो पीटीआई के अलावा अगर कोई वहां पे जाता है तो इस तरह का कोई इंटरेक्शन होता ही नहीं है। फिर जब प्राइम मिनिस्टर वहां पे थे तो उसके बाहर पीटीआई ने कोई एहतजाज का भी किया हुआ था, तो फिर कम्युनिटी इंटरेक्शन इस वजह से भी नहीं किया जाता कि इनके खिलाफ नारे लग गए। तो मेरे ख्याल में ये जो बदकिस्मती है, वगरना जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म है, शहबाज शरीफ साहब हैं, किसी भी मुल्क में जब वो जाते हैं तो वो हमारी ही नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, उनको वो जो है वो इज्जत और उनको वो जो है वो तौकीर मिलनी चाहिए। अब मोदी का मैं देख रहा था कि उनके जो ये मुख्तलिफ सीईओज हैं, मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं, एक्स है, फेसबुक है, गूगल है, उस पर उनके जितने भी लोग हैं, उन्होंने सारे वो इकट्ठे किए हुए थे और उनके साथ उसकी एक मीटिंग हुई है कि जितने भी वहां मुख्तलिफ शोबों में इस तरह के हेड्स हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तानी भी होंगे, डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, उनके साथ इनकी कोई इंटरेक्शन हो, मीटिंग हो, तो मेरा यह ख्याल है कि ये एक अच्छा जेस्चर होता, या इसमें कम से कम सोच में तब्दीली लानी चाहिए हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी को भी, कि अगर प्राइम मिनिस्टर गया है तो ठीक है, आप एक दायरे के अंदर रहकर उनसे सवाल भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको ऐसे खदशा होता है कि शायद को कोई मिसबिहेव कर देगा। तो ये कुछ जुमले उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बोले, वरना उनकी पूरी स्पीच जो है जिसमें उन्होंने गाजा का जिक्र किया है, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का, फिर डिजिटल जो इस वक्त टेक्नोलॉजी जो एडवांसेस हैं उसका जिक्र किया है, फिर बहुत ऐसे दुनिया के इश्यूज और इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज जिसको उन्होंने उसमें रेज किया। लेकिन भाई पाकिस्तान के ऊपर ये क्या बोल दिया आपने, करमई कह दिया, डॉक्टर जयशंकर ने करमई बोल दिया, उन्होंने कहा कि ये सब किया धरा जो है इनका अपना है। अच्छा मैं देख रही थी कि इसको जो जो कहने वाले हैं यानी जो पब्लिश कर रहे हैं इसको, उसमें बाकी सब ने तो किया ही किया, जो मॉर्निंग न्यूज चाइना है उसने भी कर दिया, और उसने चाइना के जो मीडिया आउटलेट है वो इसको ऐसे लिख रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने क्रिटिसाइज किया है पाकिस्तान और चाइना को। अच्छा कर्मा जो कहा है वो पाकिस्तान के लिए कहा है ना कि चाइना के लिए भी कहा है, क्योंकि मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मेरे सामने, मैंने कहा अच्छा ये जब मैं सर्च कर रही थी तो उसको पता चला कि जनाब ये जो SCMP चाइना मॉर्निंग न्यूज है उसने भी ये इसकी खबर लगाई हुई है, इंडिया जयशंकर क्रिटिसाइजेस पाकिस्तान चाइना एट UN साइट्स कर्मा। अब देखिए ना दोनों का नाम लिखा है उन्होंने, पाकिस्तान का नाम भी लिख दिया और चाइना का नाम भी लिख दिया, लगता है उनको खुद से घुसने में इसमें मजा आ रहा है। मुझे लगता है कि चाइना के आउटलेट्स और न्यूज़पेपर्स भी ये जानते हैं कि अगर हम इंडिया के तवस्सुत से इंडिया से रिलेटेड किसी खबर को अपने उसमें शामिल करेंगे उसका नाम लिखकर तो वो बहुत वायरल जाएगी, क्योंकि अब वो भी इसको, हालांकि कहा तो डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के लिए, एम आई राइट, मैं सही कह रही हूँ ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।